बुरहानपुर जिले में पुलिस ने कुंडी भंडारा क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विगत दिनों लालबाग के कुंडी भंडारा क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच में लिया था। जांच के दौरान पुलिस को शव के पैंट के पीछे की जेब में एक पर्स में आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले थे, जिसके आधार पर जांच करते पाया गया कि आरोपी हुसैन सिंह वर्तमान में पनवेल में अपने पार्टनर गणेश शर्मा के साथ मिलकर एक होटल का संचालन कर रहा था। वहीं जब पुलिस टीम द्वारा पनवेल रवाना होकर हुसैन के पार्टनर गणेश शर्मा को पकड़ा गया तो उसने पूछताछ के दौरान बताया कि हुसैन और उसने मिलकर आरोपी की पहचान छुपाने के उद्देश्य से एक अज्ञात व्यक्ति को शराब पिलाकर गला घोटकर मार डाला और अज्ञात व्यक्ति की पहचान छुपाने के आशय से उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया। वहीं इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी गणेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया, साथ ही अन्य आरोपी हुसैन की तलाश जारी है। कुंडी भंडारा रोड के ऊपर लालबाग थाने में 25 मार्च को जो एक अज्ञात शव मिला और उसके पास उसके दो आधार कार्ड वगैरह भी मिले थे, जिसमें हुसैन चौधरी नामक व्यक्ति के बारे में शव की प्रति हो रही थी। तो जब इन्वेस्टिगेशन की फैमिली को लोगों को बुलवाया और अन्य उसके तथ्यों को देखा टेक्निकल साक्ष्य को, तो ये चीज़ आई है कि हुसैन चौधरी स्वयं ही घटना को पारित करने वाला है। हुसैन चौधरी और उसका एक मित्र गणेश शर्मा, ये दोनों पनवेल बॉम्बे में रहते हैं, मूलतः उत्तर प्रदेश में रहने वाले थे। मनमाड़ से इन्होंने एक व्यक्ति को वहाँ से अज्ञात व्यक्ति को लेबर चौक से लिया है, ट्रेन से यहाँ पर आया था, सुनसान इलाकों में ले गए, शराब पिलाया था, वो मदहोश था, तो उसको गला घोट के उसकी तय की और उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया और यहाँ से चले गए। तो पुलिस ने पूरे प्रकरण करके इसमें गिरफ्तारी गणेश शर्मा की, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी और आइडेंटिटी की भी जाती है।